पनीर कोफ्ता करी बनाने का तरीका। पहले 250 ग्राम पनीर को स्मैश करके रखिए, हरी मिर्च को काट के रखिए, 2 से 3 लहसुन को काट के रखिए, अदरक को कद्दूकस करके रखिए, फिर धनिया के पत्ते को काट के रखिए, फिर पनीर में खोआ डाल के मिलाए, पुदीना डाले, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया के पत्ते को डाल के अच्छे से मिलाए, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाले, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले, 3 चम्मच धनिया पाउडर डाले, फिर आधा चम्मच नमक डाले और मैदा डाल के अच्छे से मिलाए। दिखाए गए निरंतरा के लिए मिला के गोल आकार बना के इसे गरम तेल में तलने दे। सुनहरा भूरा रंग होते ही इसे निकाल के अलग से रख दे। अभी कोफ्ता तैयार है। करी बनाने का तरीका। ग्रेवी के लिए पहले टमाटर को उबल के त्वचा छील के ऐसे स्मैश करके रखिए। फिर प्याज को काट के रखिए। और अभी अदरक और लहसुन को काट के रखें, फिर किसा हुआ नारियल को पेस्ट बना के रखें, सारा मेजरमेंट्स लिखा हुआ है, फिर अलग से दही को पीस के रखें। फिर एक कढ़ाई में घी डाले, शाही जीरा डाले, खसखस डाले, अदरक और लहसुन और प्याज को डाल के इसे भूने। और अभी अलग से घी डाल के खोआ को इसमें भूने जब तक कि नरम हो जाता है। फिर जब प्याज नरम हो जाता है तब उसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, स्मैश किया हुआ टमाटर को डालें, अच्छे से मिलाएं, फिर हमारा कोकोनट पेस्ट जो हमने बनाया था नारियल से उसे डालें, दही को डाल के अच्छे से मिलाएं, फिर भुना हुआ खोआ डालें, मिला के स्वादानुसार नमक डालें, अभी कोफ्ता डाल के आधा चम्मच गरम मसाला डाले, फिर इसमें पुदीना, धनिया के पत्ते और फ्रेश क्रीम डाल के अच्छे से मिला के उबलने दे। फिर पनीर कोफ्ता तैयार हो जाएगा। इसे आप चपाती, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।